कोटि कोटि अभिनंदन दोस्तों, मातृभाषा हिंदी को सर्वोपरि बनाना है, राष्ट्रभाषा का मुकाम दिलाना है। हिंदी हित में, राष्ट्र हित में एक प्रयास जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम स्वर संधि का A to Z स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के पांचों प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि का आसान से आसान भाषा में ट्रिकी मेथड के साथ संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। संधि, संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेल, मेल यानी मिलना। संधि जब होती है तो दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिल जाती है, उनका मेल हो जाता है, मिलन हो जाता है, यही संधि की परिभाषा है। दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, विकार यानी परिवर्तन। जब दो ध्वनियाँ मिल जाती है, हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी भाषा है। युद्ध के समय जब दो पक्षों में संधि होती है तो उनके बीच की स्थिति में बदलाव आ जाता है। वैसे ही जब हम हिंदी की भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी में जब दो ध्वनियाँ यानी दो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, तो दो ध्वनियाँ जब आपस में मिल जाती है तो उनके मिलने से जो परिवर्तन विकार आएगा, मात्र मिलना ही सब कुछ नहीं है, मिलने के बाद जब परिवर्तन आएगा और उच्चारण में जो परिवर्तन नजर आएगा उसी को हम संधि कहते हैं। तो दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि के नाम से जानते हैं। जब दो ध्वनियाँ पास पास आती है, आपस में मिल जाती है और उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से आपको हमने अलग रूप में प्रस्तुत किया है। तो संधि जब दो ध्वनियाँ मिल जाएंगी और उनके मिलने से जब विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। संधि, संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संधि के तीन भेद हैं, क्योंकि जो वर्ण है, वर्ण के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर और दूसरा व्यंजन, और तीसरा रूप जो विसर्ग के रूप में हमारे सामने आता है उसी के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं। स्वर संधि में हम स्वरों का अध्ययन करेंगे, व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर और व्यंजन से अध्ययन करेंगे, विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर और व्यंजन से अध्ययन करेंगे। यानी संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करते हैं। आज की वीडियो हमारी स्वर संधि पर आधारित है। स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि स्वर से स्वर के मेल के कारण हुआ विकार, विकार जरूर उत्पन्न होगा तभी संधि कहलाएगी। तो स्वर से स्वर मिला तब विकार हुआ, तो स्वर से स्वर मिलने के कारण विकार हुआ, इसलिए स्वर संधि। स्वर से स्वर मिलेगा और परिवर्तन आएगा तो स्वर संधि कहलाएगी, यही स्वर संधि है। स्वर संधि के पांच भेद है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन पांचों का हम बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या नजर आएगा? दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ कौन से? ह्रस्व किसे कहते हैं? अ, ई, उ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ किसको कहते हैं? अ का बड़ा वाला रूप आ, ई का बड़ा वाला रूप ई, उ का बड़ा वाला रूप उ, ये दीर्घ है। तो जब हम ह्रस्व या दीर्घ स्वर आगे अ, ई, उ, ऋषि हो या आ, ई या उ हो, तो इनको जब वापस ये अपने ही समान स्वर से मिलते हो, यानी पीछे भी ह्रस्व या दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी अगर आगे अ हो या आ हो और ये पीछे अ या आ में से कुछ भी आ जाए तो दोनों ही स्थितियों में ये बनकर आ ही होगा। यानी दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर के एक रूप ले लेंगे, अ आ मिलकर के आ का रूप ले लेंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे, दीर्घ में बदलेंगे
इसलिए इसको हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। तो आगे पीछे ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, इनमें से कोई सा भी जिनका अपने ही समान स्वर, अपने ही जैसे स्वर से मिलन हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों, नील प्लस अंबर। अब यहाँ पर जो नील है इसमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो अ प्लस अ मिलके आ हो गया, आपको यहाँ नीलांबर नजर आएगा। इसी प्रकार से विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो जाएगा। विद्या में आ की मात्रा है, आलय में आ की मात्रा है, और दोनों मिलकर आ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो गया। रवि में छोटी की मात्रा है, इंद्र में भी छोटी की मात्रा है, तो समान स्वर से समान स्वर मिला, दीर्घ यानी बड़ा रूप हो जाएगा। गिरी में छोटी की मात्रा है, ईस में बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर ग्रीस यानी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। यानी दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा नजर आएगी। कुछ उदाहरण देखिए, हिम प्लस आले, हिमालय हो जाएगा। हिम में अ की मात्रा है, आले में आ है, तो अ और आ मिलकर दोनों आ हो जाएंगे। शुभ प्लस आगमन, शुभागमन, दीर्घ हो गया। विद्याधन अर्थी, आ विद्या में और अर्थी का अ, दोनों मिलकर आ हो गया, दीर्घ हो गया। जो आ है, ई है और ऊ है, इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, बड़ा स्वर। मही प्लस इंद्र, महिंद्र। मही में बड़ी की मात्रा, इंद्र में ई की मात्रा, दोनों मिलकर दीर्घ यानी बड़ी ई हो जाती है। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। मधु में छोटी ऊ की मात्रा, उत्सव छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी दीर्घ यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। वधु प्लस उर्मी, बड़ा ऊ भी मिलकर के बड़ा ऊ यानी दीर्घ हो जाएगा। ऋषि से ऋषि मिला, यानी मातृ प्लस ऋण, ऋषि से ऋषि मिला, तो ऋषि हो जाएगा मातृण। गुणस्वर संधि, गुणस्वर संधि जब आगे अ या आ हो, यानी अ आ के बाद या तो ई आए या बड़ी ई आए, अगर ऐसा होता है तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। ये गुण है। गुण कौन सा? जो ए स्वर और ओ स्वर का निर्माण होता है, संयुक्त स्वर, तो उसी के आधार पे ये संधि बनी है, गुण संधि। आगे अ हो या आ हो और बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए, अगर ऐसा होता है तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। दूसरा रूल, अ या आ के बाद ऊ आए या ऊ आए, तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, छोटा ओ। इसी प्रकार से आगे जब अ हो या आ हो और बाद में ऋषि वाला आता है, तो दोनों मिलके अर हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण जैसे कि नव प्लस उत्सव, नव में अ है, उत्सव में ऊ, दोनों मिलके ओ हो गया, नवोत्सव। जल प्लस उष्मा, जल में अ है, उष्मा में बड़ा ऊ है, दोनों मिलके ओ हो जाएगा, जलोष्मा। इसी प्रकार से धारा उर्मी, धारा में आ है, उर्मी में ऊ है, दोनों मिलके ओ हो गया, धारोर्मी। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। अ में जब ई मिला तो दोनों मिलके ए हो गया, नर प्लस ईस, नरेश। अ में ई मिला तो दोनों मिलके ए हो गया, नरेश हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रभा प्लस इंद्र, प्रभा में आ, इंद्र में ई, दोनों मिलके ए यानी प्रभेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार रमा प्लस ईस, रमेश। रमा में आ, ईस में
ई दोनों मिलके ए हो गया। सप्त ऋषि, सप्त में अ और ऋषि में ऋषि की शब्द दिखाई देगा, दोनों मिलके अर हो जाएगा। सप्त ऋषि में त में अ की मात्रा जुड़ी अर में से और र ऊपर चला गया, सप्त ऋषि। महा प्लस ऋषि, महा में आ है और ऋषि में ऋषि है, दोनों मिलके अर हो जाएगा तो ये हो जाएगा महर्षि। महर्षि अर का अ हमें जुड़ा और ऋषि ऊपर चला गया, महर्षि हो जाएगा। स्वर संधि का अगला प्रकार वृद्धि संधि। वृद्धि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। किस चीज में वृद्धि दिखाई गई है? संधि में वृद्धि, यानी अ के बाद अ या आ के बाद, या तो छोटा ए या बड़ा ए नजर आए तो दोनों मिलके बड़े ए में बदल जाते हैं। गुण संधि में ए में बदले थे और वृद्धि हो गई, यानी बड़े ए में बदल जाएगा, बढ़ गया रूप इसका। तो वृद्धि संधि जब अ आगे हो या आ हो और बाद में ए या ए हो तो दोनों मिलके ए में बदल जाएंगे। इसी प्रकार से जब आगे अ या आ हो और बाद में ओ या ओ आए तो ये भी वृद्धि हो करके बड़े ओ में बदल जाएगा। यानी आगे अ या आ हो और बाद में ओ या औ हो तो ये औ में यानी बड़े ओ में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, सदा प्लस एव, सदैव। सदा में आ है, एव में ए है, तो आ और ए मिलकर बड़े ए में बदल गया, सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार से परम प्लस औषधि। परम में क्या है? अ, और औषधि में ओ है, तो दोनों मिलके बड़ा ओ परमौषधि हो जाता है। वृद्धि संधि के कुछ और उदाहरण देखिए दोस्तों, एक प्लस एक। अब एक में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो अ की आ रही है, और इस एक में जो प्रथम ध्वनि आ रही है जिनका मिलन होगा वो ए है, तो अ और ए मिलकर के ए में बदल जाएंगे, नया शब्द एक एक बनेगा। इसी प्रकार से नर प्लस एक। नर में जो ध्वनि आ रही है अंतिम नर अ की आ रही है, एक के में एक की आ रही है, तो अ और ए मिलकर के ए हो जाएंगे। इसी प्रकार से महा प्लस ऐश्वर्य। महा में ध्वनि आ रही है अंतिम आ की और ऐश्वर्य में आ रही है ए की, दोनों मिलके ए, वृद्धि हो गई, ए बन गया, महेश्वर्य नया शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से नव अलग शब्द है, औषधि अलग शब्द है, दो अलग शब्द मिले और मिलने पर नवौषधि नया शब्द बना। नव में व, व में अंतिम ध्वनि अ की आ रही है, औषधि में आ ओ की आ रही है, अ और ओ मिलकर के ओ में बदल जाएंगे, नया शब्द नवौषधि बनेगा। इसी प्रकार से वन और औषधि जो दो अलग शब्द हैं, वन में अंतिम ध्वनि अ की, औषधि में प्रथम ध्वनि ओ की, अ और ओ मिलके ओ बन जाएगा, वृद्धि हो गई, नया शब्द वनौषधि हो जाएगा। इसी प्रकार से महा प्लस औषधि, महौषधि। महा में अंतिम ध्वनि आ की, औषधि में प्रथम ध्वनि ओ की, तो दोनों मिलके ओ हो जाएगा, नया शब्द महौषधि बनेगा। इस स्वर संधि का अगला प्रकार यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? यण संधि में जब आगे अ ई उ ऋषि हो और ई उ ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कहने का मतलब ई के बाद ई या ई के बाद ई और ई नहीं आए, इसके अलावा 11 स्वर में से ये दो गए तो बाकी बचे 9 स्वर में से कोई से भी आ जाए वो असमान स्वर। इसी प्रकार से ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ न आए, कोई भी आ जाए अन्य, तो यण संधि अपना कार्य करती है। तो ई और ऊ ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो ई किस में बदलेगा? य में। पीछे जो स्वर है वो मात्रा य में जुड़ जाएगी,
यमे जुड़ जाएगी ई, यमे बदल जाएगा, मात्रा जो पीछे वाले स्वर की असमान स्वर की है वो यमे लग जाएगी, ऊ जो है वो व में बदल जाएगा और ऋषि जो है वो र में बदल जाएगा। ये तीनों स्वर रहित रूप है, आधे वर्ण हैं। इनके कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे कि अति प्लस अंत अत्यंत, अति में आगे ई है और उसके बाद असमान स्वर यानी अ आया है, तो अति किस में बदल गया, ई य में, और आगे जो अ है वह अ इसमें लग जाने पर ये क्या हो जाएगा, य, य हो गया और ये हो गया अत्यंत। त में से ई की मात्रा निकल जाने पे त आपको आधा स्वर रहित नजर आएगा, अति प्लस अंत अत्यंत ई अ, ई जो है वह य में बदली और अ की मात्रा जुड़ जाने पर क्या हो जाएगा, इसका य रूप आपको दिखाई देगा। पीछे जो मात्रा होगी वो य में जुड़ जाएगी, इतना ध्यान रखना है। अति प्लस अधिक अत्यधिक ई में अ जुड़ा य अ की मात्रा के साथ, इति प्लस आदि, अब यहाँ आ की मात्रा है बाद में, ई तो ई जो आगे वाला है ई त रह गया और जो ई है वो य में बदल गया, आ की मात्रा लगने पर और पीछे वाला दी शब्द, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि, यानी जो ई है वो य में बदला और आ की मात्रा लगने से क्या हो गया, या। इसी प्रकार से प्रतिदन एक, प्रत्येक एक ही मात्रा लग गई य में तो ये प्रत्येक हो गया। अभी प्लस उदय अभ्युदय ई उ मिलके यू हो गया, क्योंकि ई का तो य बन गया और ऊ की मात्रा लगने पर यू यानी अभ्युदय। अगला शब्द अति प्लस उक्ति अत्युक्ति ई उ मिलके यू हो गया, सु प्लस आगत स्वागत, अब जो उ आगे वो असमान स्वर आए, आगे ऊ है और पीछे आ है, ये व में बदल जाता है, पीछे का आ होने पर ये हो गया वा और आगे का स स्वर निकल जाने पर स्व स्वागत बन जाएगा, तो ऊ प्लस आ होने पर वा स्वागत हो जाएगा। मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, यानी आगे ऋषि है और पीछे असमान स्वर यानी ऋषि के बाद ऋषि नहीं आया, आया है और ये आने पर ये रा हो जाएगा, यानी र में बदल गया ऋषि और आ का लगने पर ये हो गया रा। ये यण संधि कल आएगी दोस्तों। अयादि संधि देखिए, अयादि संधि जब ए और ए के बाद कोई असमान स्वर आए, सबके बाद हमने समान समान स्वरों को रखा था दीर्घ संधि में और असमान स्वरों को भी रख के देख लिया, बारी है ए और ए की और ओ की। ए और ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए यानी ए और ए के बाद ये ए और ए न आए, इसके अलावा 11 में से ये दो गए, 9 में से कोई से भी स्वर आ जाए असमान स्वर, तो जो ए छोटा वाला वो आए में बदलेगा, बड़ा ए आए में, यानी ए अ आए, ए आ आए में हो जाएगा। इसी प्रकार से और ओ किस में बदलेगा, अगर असमान स्वर आए बाद में तो ओ जो है वो अव, ओ अव, बड़ा ओ आव में बदल जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों, स्पष्ट हो जाएगी आपके सामने आयादि संधि। ने प्लस अन आगे ए है, ए किस में बदल गया, ए में, पीछे अन की मात्रा है तो ए किस में बदला, आगे न है ए में बदला तो अ, ये ए हो गया, पीछे का अन वैसा का वैसा रहेगा तो क्या बन जाएगा, न आ गया, स्वर रहित था अ की मात्रा जुड़ी न, य आया, स्वर रहित था अ की मात्रा जुड़ी य
और पीछे का न क्या बन जाएगा? नयन। ए आय में बदला ने प्लस अक, ये बड़ा ए है, आय में बदलेगा ए आय, ए आय यानी छोटा है आय में, बड़ा है आय में बदलेगा, तो नायक हो जाएगा। गे प्लस अन, ए जो है आय में बदलेगा, ये बड़ा है गायन। गे प्लस अक गायक, ए आय में बदल गया। अब ओ की बारी, छोटा ओ आओ में बदलेगा, बड़ा ओ आओ में बदलेगा। उदाहरण देख लीजिए, भो प्लस अन, ओ आओ में बदला, भो में से ओ निकल गया तो भ बचा, आओ में बदला तो ये अव, और पीछे का अन यानी ये, तो क्या हो गया? भ में अ की मात्रा जुड़ी भ, व आया, अ की मात्रा जुड़ी भव, न पीछे का भवन, तो ये हो जाएगा भवन। भो प्लस अक भावक, ओ आओ में बदला, पो प्लस अन पवन, ओ आओ में बदला, पो प्लस अन पावन, ओ आओ में बदला, बड़ा ओ है आओ में बदलेगा, पावन हो जाएगा। स्वर संधि के पांचों प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि का हम ट्रिक के रूप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ यानी नाम से स्पष्ट, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा दीर्घ कौन होता है? दीर्घ स्वर कौन से? आ ई ऊ ऋषि, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं, यानी आपको शब्द के बीच में, शब्द के बीच में आपको दीर्घ स्वर की मात्रा यानी बड़ी मात्रा यानी आ ई ऊ की मात्रा नजर आएगी। उदाहरण देखिए दोस्तों, विद्यालय आ की मात्रा है, महात्मा आ की मात्रा है, रविंद्र ई की मात्रा है, गिरीश ई की मात्रा है, बीच में देखना भानुदेय ऊ की मात्रा है, मधुत्सव ऊ की मात्रा है। दीर्घ स्वर की संधि, दीर्घ संधि दीर्घ स्वर की मात्रा। गुण संधि, ए और ओ की मात्रा नजर आएगी, ए ओ की मात्रा यानी ऊपर, ट्रिक के रूप में आपको एक मात्रा नजर आएगी, ए और ए की, ओ की एक ही मात्रा होती है, बीच में नजर आ डालना शब्द के। उदाहरण देखिए, रमेश एक ही मात्रा, महेंद्र एक ही मात्रा, नरेश एक ही मात्रा, महोदय ओ की मात्रा, परोपकार ओ की मात्रा, महोत्सव ओ की मात्रा, ऊपर एक मात्रा आप देख सकते हो, ऊपर एक मात्रा यानी ए ओ की मात्रा गुण संधि कहलाएगी। वृद्धि संधि में क्या होगा? ए और ओ यानी वृद्धि हो गई, ऊपर दो मात्रा हो जाएगी, गुण में एक थी, वृद्धि में दो मात्रा हो जाएगी। दो किसकी होती है? ए और ओ की दो मात्रा होती है, शब्द के बीच में देख लीजिए। कुछ उदाहरण देखिए, सदैव में एक ही मात्रा, एक 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 ही मात्रा, महेश्वर्य एक ही मात्रा, इसी प्रकार से महोषधि ओ की मात्रा, वनौषधि ओ की मात्रा, परमोदार्य ओ की मात्रा, ऊपर दो मात्रा नजर आएगी आपको देखने में बीच वाले शब्द में, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। यण संधि में य व र के पहले आपको आधा अक्षर, आधा अक्षर यानी स्वर रहित यण संधि य व र जो शब्द थे वो य व र में बदले थे, इसलिए स्वर रहित वर्ण इनके आगे आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण देखिए, स्वागत तो व के आगे आधा वर्ण स्वर रहित, अत्यंत य के आगे आधा वर्ण, इत्यादि अत्याचार प्रत्येक अत्यधिक, य व र के पहले आधा वर्ण आधा अक्षर देखने को मिलेगा, यण संधि होगा। अयादि संधि में ए ए ओ ओ की मात्रा नजर नहीं आएगी, ए ए औ औ की मात्रा नहीं होगी, अधिकतम तीन अक्षर का शब्द होगा, और य और व बीच में, शब्द के बीच में तीन अक्षर का शब्द है, बीच में या तो य दिखेगा या व दिखेगा इस तीन अक्षर में से। उदाहरण देखिए, पवन पावन, व नजर आ गया बीच में, नयन नायक, य नजर आ गया बीच में, भवन भावन, व नजर आ गया, गायन गायक, य नजर आ गया, तीन अक्षर का शब्द, बीच में व या य, ए ओ ओ की मात्रा नजर नहीं आएगी, अयादि संधि ये उदाहरण।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।